अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा बना रही है, ये शाम का बच्चा हुआ कीमा है। इस कीमे से मैं टेस्टी नाश्ता बना रही हूँ। इस कीमे में मैं आधा चम्मच जीरा मिक्स कर रही हूँ, आधा चम्मच साबुत धनिया, उसे मैंने हल्का सा कूट लिया है, दो तीन हरी मिर्ची ली है उसे अच्छे से कट किया है, एक छोटे साइज की प्याज ली है इसे फाइन चॉप किया है, बारीक कटा हरा धनिया मिक्स करेंगे। ये कीमा बना हुआ है तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे मसाले डले हुए हैं, तो मसाले डालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमने कौन से मसाले इसमें लिए हैं। एक कटोरी इसमें मक्का का आटा मिक्स कर रही हूँ, बेसन भी लिया जा सकता है, सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टेस्टी ये मक्का के आटे से बनेंगे। आटा हमें इतना लेना है कि आटा मिक्स करने पर हम आसानी से इसे एक अच्छा सा शेप दे सकें। अभी आटा जितना मिक्स किया है उस आटे को ध्यान में रखते हुए नमक मिक्स करेंगे, क्योंकि कीमे में ऑलरेडी नमक, मिर्ची, लहसुन, अदरक, गरम मसाला और प्याज सभी कुछ उसमें डला हुआ है, इसलिए हमें इस कबाब में हमें ज़्यादा मसाले लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे भी खाने को अगर हम एक नया टेस्ट देकर बच्चों को सर्व करेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। जब भी कोई चीज़ बच जाए तो उससे एक नई डिश बनाएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को सर्व करें, सभी को अच्छा लगेगा। अच्छे से सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है, अब इसे हम जो भी शेप देना चाहें वो शेप हम इसे दे सकते हैं। मैं इसे टिकिया का शेप दे रही हूँ। ये इस तरीके से मैंने सारी टिकिया बना ली है। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी और इसके साथ जो चटनी हमें बनानी है वो चटनी बना लेंगे हम। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी और इसके साथ जो हमें चटनी सर्व करनी है वो चटनी बना लेंगे हम। कीमे के टिकिया के साथ में मैं ये मूँगफली की चटनी बना रही हूँ। ये मैंने थोड़ी सी मूँगफली ली है, इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। मूंगफली अच्छे से सीख चुकी है, अब इसको हम ठंडा करके इसका छिलका निकाल लेंगे। बहुत थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम सौंफ फ्राई करेंगे। सौंफ का कलर बदल चुका है, अब लहसुन डालेंगे और हरी मिर्ची मिक्स करेंगे, कड़ी पत्ता मिक्स करेंगे, लहसुन और हरी मिर्ची को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें हम ये टिकी हुई मूंगफली मिक्स करेंगे, नमक मिक्स करेंगे और थोड़ी सी शक्कर मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे और अब इसे हम पीस लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी, आप ज़रूर ट्राई करें। और जो मैं कीमे की टिक्कियाँ बना रही हूँ वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये मैंने पीस लिया है। ये हमारी मूंगफली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। अब हमने जो कीमे के कबाब बना के रखे हैं, टिक्कियाँ बना के रखी है, उसे फ्राई कर लेंगे। इस पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे,
ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम ये टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। अब इसे टर्न करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी डिश है ये, आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। दोनों ही साइड से हमें इसे अच्छे से ब्राउन करना है। दोनों ही साइड से माशाल्लाह हमारी ये टिक्कियां बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। गर्मा गर्म इस टिकिया को हम मूंगफली की ग्रीन चटनी के साथ में सर्व करेंगे। ये हमारी कीमे की टिकिया और मूंगफली की ग्रीन खट्टी मीठी चटनी कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।